Now we discuss the question number 10 of paper 1 of JEE Advanced 2014. Condition दे रखी है, एक ladder equilibrium में है, limiting equilibrium की condition में है, इसका free body diagram ये यहाँ पर बनाया गया है. इसमें force of friction F1 की value mu1 into L1 होगी, mu1 is the friction coefficient between the ladder and wall, और N1 की जो value है वो N1 is the normal reaction, same यहाँ पर. इसमें different conditions दे रखी हैं. फर्स्ट केस को हम चेक करते हैं, बारी बारी से सारे केसेस को चेक करेंगे. इन फर्स्ट केस म्यू वन इक्वल्स टू जीरो, म्यू टू इक्वल्स टू नॉन जीरो, और इसके लिए कंडीशन दे रखी है. अगर म्यू वन इज जीरो एंड म्यू टू इज नॉन जीरो तो एफ वन जो है वो एक्ट नहीं होगा. और अगर हम इक्विलिब्रियम देखेंगे और एफ वन यहां से हटा देते हैं तो हमें मिलेगा N2 इक्वल्स टू mg. अगर N2 इक्वल्स टू mg मिलता है तो ऑप्शन ही रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन डी को भी चेक कर सकते हैं क्योंकि यही सेम कंडीशन ऑप्शन डी में दे रखी है. इसमें N2 इक्वल्स टू mg एंड N1 इक्वल्स टू म्यू टू N2 इक्विलिब्रियम है. तो इस एंड के अबाउट अगर हम टॉर्क निकालेंगे तो टॉर्क बैलेंस होना चाहिए. N1 का टॉर्क mg से बैलेंस होना चाहिए. तो टॉर्क ऑफ mg बैलेंस होना चाहिए टॉर्क ऑफ N1 से. mg का टॉर्क होगा mg L/2 cos थीटा. N1 का टॉर्क होगा N1 L sin थीटा. इससे आ जाएगा N1 tan थीटा इज इक्वल्स टू mg/2. यानी ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा. ऑप्शन सी में बोल रहा है कि म्यू वन इज नॉन जीरो, म्यू टू जीरो, तो इक्विलिब्रियम ही मेंटेन नहीं हो पाएगा और N2 की वैल्यू जो है वो mg/1 + μ1 इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा और एक्सेलरेट होगा. तो N2 की जो वैल्यू है वो ये इस तरह से निकलकर नहीं आएगी. ऑप्शन डी को हम चेक करते हैं, ऑप्शन सी को हम चेक करते हैं. इसमें म्यू वन इज नॉन जीरो और म्यू टू इज नॉन जीरो, दोनों ही नॉन जीरो है. इस कंडीशन में इक्वेशंस जो बनेगी वो इस तरह से होंगी. N2 + μ1 N1 इक्वल्स टू mg फॉर इक्विलिब्रियम एंड N1 इज इक्वल्स टू μ2 N2. N1 की वैल्यू हम यहां से यहां पुट कर दें तो N2 + μ1 μ2 N2 mg. इससे N2 की वैल्यू हमको mg/1 + μ1, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा. ऑप्शन बी रॉन्ग इसलिए होगा क्योंकि इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा. थैंक यू.